हेलो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस वार्मफुल इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आज आप लोग अच्छा से एक हैंडसम मनी मार्केट से कमाए होंगे। जो भी बंदा मेरा लेबल के ऊपर काम किया हुए वो डेफिनेटली पैसा कमाए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज वही बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं प्रीवियसली जो भी आपको लेबल दिया था, आज का मार्केट में मतलब कि फ्राइडे का मार्केट में कैसे काम हो रहा है, वो कैसे वो वर्किंग किया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आपको ट्यूसडे मार्केट के लिए 7 अप्रैल का मार्केट के लिए फिर आप लोग को एक लेबल प्रोवाइड करेंगे। अभी एक अच्छा वीकेंड है, 3 दिन का वीकेंड है, मतलब कि सैटरडे संडे और मंडे महावीर जयंती है, उसके लिए मार्केट हॉलीडे है। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। पहले हम हमारा वर्कशीट को जाएंगे। मैं पहले आपको कौन सा लेबल दिया था, 3 अप्रैल को मैं दिया था ये लेबल, निफ्टी का लेबल आप देख लीजिए। निफ्टी रेजिस्टेंस था 8,350 से लेकर 8,250, सपोर्ट था 8,000 से लेकर 7,850। बैंक निफ्टी का सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस था 18,600 के साथ 18,600 से लेकर 18,300, और उसका सपोर्ट था 17,350 से लेकर 17,050। मार्केट आज अच्छा लेवल में काम किया, चलिए उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। नोट कर लीजिए लेबल को। चलिए हम लोग पहले निफ्टी के पास आया, उसका लेबल क्या था यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मैं लेबल दिया था 8,350 और अनदर लेबल था 8,250। अनदर लेबल इज 8,250, यहाँ पे लेबल था 8,250 ये लेबल था। तो आप देख लीजिए, ये लेबल मैं आपको दिया था मेरा वीडियो में, ये लेबल आप देख लेंगे। बैक टेस्ट करना चाहते तो ये वीडियो देख लेंगे, ये था। और डिमांड का जो था वो लेबल था 8,000 से लेकर 7,850, वो लेबल था 8,000 रुपीज। ये रेजिस्टेंस लेबल था। तो मार्केट ए लेबल से मैं आप लोगों को क्लियरली बताया था, मार्केट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ओनली आपको शॉर्ट करने का है उछाल के साथ। ये भी बताया था मार्केट में कभी भी आप बाय मत करिए, ओनली शॉर्ट करिए। तो ये लेबल 8,250 से लेकर 8,350 के बीच में मार्केट कहां पे भी आपको शॉर्ट करना है। सुबह मार्केट क्या हुआ, आज का मार्केट देखिए, आज सुबह मार्केट ए लेबल के ऊपर ओपन हुआ। ये जो ग्रीन कैंडल दिया है, ड्यू टू आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जी का जो कॉन्फ्रेंस था, इसके लिए ग्रीन कलर कैंडल हुआ है। मैं आपको क्लियरली बताया था कि सर, आप अगर मार्केट को जब भी आप शॉर्ट करोगे 8,250 के नीचे, जब मार्केट आएगा आपको शॉर्ट करना है। ये क्लियरली मैं मेरा वीडियो में आपको बताया था, आप लोग मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, 3 अप्रैल का वीडियो। तो जब मार्केट इसके नीचे आया आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। बस शॉर्ट करने के बाद देखिए, टारगेट था 8,000 रुपीज, मगर टारगेट के पास आया नहीं। जो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, 5 से 10 हज़ार जो भी प्रॉफिट है आपका पॉकेट में आपको आ जाएगा। जो आदमी काम किए हैं लेबल में, देखिए लेबल एकदम सही तरीके से फिनिशिंग के साथ काम कर रहा है। चलिए दोस्त, ये लेबल दिया था 8,250 से लेकर 8,350, जो भी सेल आज किया होंगे पैसा कमाए होंगे। ये लेबल को आप लोग बैक टेस्ट कर सकते हो जाके मेरा वीडियो देख के। चलिए बैंक निफ्टी का लेबल क्या था, बैंक निफ्टी का लेबल में आप लोगों को दिया था यहाँ पे, चलिए प्रीवियस डे हम यहीं पे थे। बैंक निफ्टी का लेबल दिया था 18,600 से लेकर 18,300, 18,600 से लेकर 18,300 तक ये लेबल था, 18,300 लेबल था। नीचे का लेबल था 17,000, नीचे का लेबल था 17,350 से लेकर 17,350 से लेकर 17,050 का लेबल था, 17,050 का लेबल था। क्लियर दोस्त, ये कि आपके लिए सप्लाई जोन था, ये आपके लिए सप्लाई था, ये आपके लिए डिमांड था। आई एम राइट दोस्त, आपको अगर कोई लेबल को बैक टेस्ट करना है जाके मेरा वीडियो में आप टेस्ट कर सकते हैं। चलो मार्केट आज क्या किया, एग्जैक्ट देखिए वो लेबल के बोला था,
आपको कभी भी बाय मत करना, 8300 का से 600 लेवल के बीच में सेल करना, मार्केट गया आपको अपना एक पुट को सेल कर दो, सॉरी एक पुट को बाय कर दो, 8300 का पुट बाय करने के लिए बोला था, अदरवाइज आपको फ्यूचर सेल करने का, ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन है आप लोग को, आप मेरा वीडियो जाकर रेफरेंस वीडियो देख सकते हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया, पूरा सप्लाई से आया, डिमांड और रेजिस्टेंस से आया, पूरा अपना टारगेट हिट कर गया। क्लियर है दोस्त? देखिए जो लेबल दे रहा हूं ना एकदम पिन पॉइंट के साथ काम कर रहा है, ऐसा बारीक से लेबल काम कर रहा है, आप पैसा कमाओगे ही, मार्केट से पैसा कमाओगे, सोचने का कोई बात नहीं। चलिए दोस्त हम लोग फिर देख लेंगे, मतलब ये ट्यूजडे मार्केट का क्या लेबल हो रहा है। चलिए एक्सेल शीट चलते हैं, लेबल है ट्यूजडे के लिए 7 अप्रैल के लिए मार्केट है, सेम लेवल निफ्टी में बरकरार रहेगा और थोड़ा सा सपोर्ट में चेंज होगा, 8350 से लेकर 8250 आपका सप्लाई जोन है, 9950 से लेकर 7950 से लेकर 7850 आपका सपोर्ट जोन है, सप्लाई 7700 से लेकर 17700 से लेकर 17500, डिमांड के आपको 16800 से लेकर 16600। क्लियर है दोस्त? ये आप नोट कर लो अवेलेबल। चलिए मार्केट से देखते हैं, तो पहले निफ्टी चलते हैं, निफ्टी ट्यूसडे के लिए क्या होगा मैं सब हटा देता हूँ, सप्लाई बराबर है, सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई बराबर रहेगा, 80,250 से लेकर 80,350 आपका रेजिस्टेंस रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आपको डिमांड का लेवल थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब कि सपोर्ट का लेवल थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा, 7950 से लेकर ये थोड़ा चेंज होगा, 7950 से लेकर 7850 ये लेवल चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके लिए सपोर्ट जैसा काम करेगा। क्लियर है दोस्त? आपको क्या करना है, मार्केट तीन सिनेरियो में ओपन होता है, एक तो क्लोज के पास ओपन होता है और गैप डाउन होता है, गैप अप होता है। अगर मार्केट ट्यूजडे को नॉर्मल कंडीशन में यहां पे ओपन हुआ, यहां में ओपन होने के बाद अगर रेड कैंडल बनाता है, अगर ये पहला कैंडल उसका यहीं पे एक रेड कैंडल बन गया, रेड कैंडल बन गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में सेल करना पड़ेगा, फ्यूचर सेल करो, अदरवाइज जो भी कंडीशन में मार्केट 8000 का 8200 का वट एवर में भी उसका पुट बाय करो, तो मार्केट का टारगेट होगा, पहला कंडीशन फुलफिल अगर मार्केट नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है तो। अगर मार्केट ओपन होके गैप अप हो गया ऊपर की तरफ धीरे धीरे गया, गैप अप हो गया, तो मार्केट जब गैप अप हो गया तो आपको 8250 से लेकर 8350 के बीच में जो अगर मार्केट जाता है तो आपको ए लेवल में भूलना नहीं है दोस्त। चाहे नॉर्मल कंडीशन में ओपन होगा तो आप ट्रेड मत करो, अगर मार्केट गैप अप होके ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर का लेवल में बेचो 8250 का पुट बेच दो, 18200 का पुट बेचो, अदरवाइज फ्यूचर बेचो। अगर मार्केट नॉर्मल से ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है आपको बेचना है, सेकंड कंडीशन फुलफिल। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है नीचे की तरफ, कुछ करना नहीं है, चुपचाप बैठना है, कुछ करना नहीं है आपको, डिमांड में आता है मार्केट एक बार ये डिमांड को टच करेंगे, सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, हर उछाल के साथ आप बेचो और 1000-2000 प्रॉफिट लेके निकल जाओ, 50 रुपया स्टॉप लॉस रखो, 100 रुपया का प्रॉफिट रखो, 50 रुपया का स्टॉप लॉस रखो। अगर डिमांड को आके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है हर उछाल में आपको बेचना पड़ेगा, क्लियर है दोस्तों? निफ्टी में निफ्टी को बेचना है 8250 से लेकर 8350 के बीच में, क्लियर? नो खरीद आप नहीं करोगे। क्लियर हो गया दोस्तों निफ्टी का? चले बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, ये लेवल थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी में टारगेट आ गया था, सप्लाई से लेकर डिमांड तक टारगेट आ गया था, तो ये लेवल चेंज होगा, निफ्टी में वो टारगेट नहीं आया था इसलिए ऊपर वाला लेवल सही सलामत रहा। चलिए उसका लेवल क्या था, 17700, ये लेवल था 17700 से लेकर 17500
17,500 ये अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये आपके लिए एक अच्छा जोन है, आप उसको सप्लाई की हैसियत में रख सकते हो। और सपोर्ट वाला जोन कहां पे था? सपोर्ट वाला जोन था 16,800, थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा, 16,800 ये था आपको टारगेट लेवल, 16,800 से लेकर 16,500 ये था जोन आपको दी। आपको कल क्या करना है दोस्त, आपको क्या करना है कल मार्केट में, आपको क्या करना है? मार्केट नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है, पहले नॉर्मल कंडीशन में अगर मार्केट ओपन होता है तो अगर पहला कैंडल रेड कैंडल होता है, रेड कैंडल होता है तो आपको यहां पे पुट बेचना है, 7000 का पुट बेचना है, 7300 का पुट बेचना है। अगर मार्केट से कोई फ्यूचर सेल कर दो तो टारगेट आपको 16,800 का टारगेट रहेगा, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप अप होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन, ये कंडीशन में अगर मार्केट उछाल के साथ जाता है तो आपको 17,500 का पुट बेचना है। यहां से पुट बेच दो 17,500 का, सॉरी पुट बेचना नहीं है, सॉरी मार्केट को पुट खरीद करना है तो फ्यूचर बेचना है। यहां से अगर मार्केट गैप अप होके जाता है तो आपको यहां से पुट को खरीद करना है और क्या बेचना है, फ्यूचर बेचना है, तो टारगेट आपको ये हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? और मार्केट डिमांड के ऊपर ओपन होता है, 16,800 से लेकर नीचे की तरफ आप मार्केट ओपन होता है, हर उछाल में आपको बेचना है, ट्यूसडे मार्केट में हर उछाल में बेचना है। क्लियर है दोस्त? चलो दोस्त, आपको मेरा प्रॉफिट स्लॉट, एक्चुअली मैं आज मार्केट में नहीं था, थोड़ा मीन टाइम में आया, थोड़ा काम था, मैं मार्केट में आ नहीं पाया। जो भी मेरा 3 लॉट था, मैं 1 लॉट आज बेच दिया, 2 लॉट ट्यूसडे के लिए रखा। मेरा 1 लॉट में मेरे को 5,000 रुपीज प्रॉफिट दिया था, मैं आपको शेयर कर देता हूँ ये प्रॉफिट। देखिए ये 5,000 रुपीज मेरे को प्रॉफिट हुआ था, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लिया। ओके दोस्त, आप लोगों को रिक्वेस्ट है दोस्त, ये क्या अच्छा वीकेंड है, 3 दिन का छुट्टी है, प्लीज आप लोग क्या करिए, आपका घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरा वीडियो देखिए, वो लेबल कैसे मैं दे रहा हूँ उसको कैलकुलेट करिए, तो मार्केट का मजा लीजिए और आपका घर पे रह के सुरक्षित रहिए। ये अभी पूरा आपको सेफ्टी के साथ रहना पड़ेगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, डिस्टेंस मेंटेन करिए, जो भी काम करने बाहर जा रहे तो हाथ साफ करके अपना घर पे रहिए, प्लीज दोस्त बाहर मत निकलिए। क्लियर है दोस्त? चलिए दोस्त, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोग को, आपका दोस्त लोग को शेयर करो दोस्त, थोड़ा मेरे को सब्सक्राइबर ज्यादा चाहिए, आप लोग शेयर करिए, शेयर करने के बाद वो आपका क्या होगा, तो आपका दोस्त लोग को हेल्प मिल जाएगा, तो आपका दोस्त को अगर हेल्प मिल गया वो भी वो लेबुल में काम, आप खुद देख रहे हो, 1 हफ्ता से मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ, किसी एक दिन भी मेरे को लेबुल छूटा।